दोस्तों अगर आप टीनेजर हैं और आप अपना वेट गेन करना चाहते हैं वो भी कम बजट में, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका वेट बहुत ही कम है, मतलब एकदम स्किनी है, जो एकदम पतले हैं, जिनके बॉडी में एकदम कह लीजिए हड्डियाँ नज़र आती हैं, वेंस बहुत ही ज़्यादा नज़र आते हैं, जो एकदम बहुत स्लिम है, तो ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। मैं इस वीडियो में सारी की सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, मतलब एक डाइट प्लान बताऊँगा कम्प्लीट, कि आप क्या क्या फूड्स खाएँ, क्या क्या कब कंज्यूम करें ताकि आपका वेट गेन हो पाए और वो भी कम बजट में, और आप अपने बॉडी को एक फिर से नया लुक दे पाओ, और आपको ताकि कोई भी आपको कोई बुली ना करे, कोई आपको चिढ़ाए ना। जैसे आपको कोई चिढ़ाता है कि भाई बड़ा पतला है तू, भाई तू सुट्टा है, भाई ये, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ये वीडियो देखने के बाद आपको एक अच्छा खासा बजट फ्रेंडली डाइट प्लान आपको मिल जाएगा और एक आइडिया लग जाएगा आपको कि आपको कौन कौन से फूड्स ऐड करने हैं जिनसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधे हम पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है अर्ली मॉर्निंग में वार्म वाटर कंज्यूम करने से। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि हमारा जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारा डाइजेशन बंद होता है, डाइजेशन में आपका एक तरह से एक्टिवेट हो जाएगा, अच्छे तरीके से वो काम करेगा। आप जो भी दिन भर में खाना खाएंगे वो अच्छे से आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कई लोगों को वॉशरूम नहीं जा पाते, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाता है, तो वो चीज़ आपको नहीं होगी, आपका सारा का सारा खाना अच्छे तरीके डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो अब करीब करीब आपने आधा लीटर पानी पीने के बाद यहाँ पे आपके ब्रेकफास्ट की बारी आती है। तो ब्रेकफास्ट आपने ज़्यादा फैंसी नहीं रखना है, जैसा कि आपका बजट है, जिस हिसाब से आपका बजट है उस हिसाब से आपने रखना है। तो सबसे पहले आपने ब्रेकफास्ट में क्या ऐड करना है, ब्रेकफास्ट में आपने ऐड करना है ओट्स, जो कि बहुत ही आपके कह लीजिए बजट में आ जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक चल जाते हैं। शायद आपको 150 या करीब 170 या 175 रुपीज़ केजी के आसपास मिल जाएगा, और वो ऐसा नहीं है कि एक या दो दिन में ख़त्म हो जाएगा, वो आपका आराम से 17-18 दिन चल जाएगा। अब आप सोचिए 1-1.5 किलो तो आराम से आप चला सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी चल जाता है, डिपेंड करता है कि आपकी फिजिक किस तरह की है। वैसे इतना दिन एक एवरेज है, चल जाएगा। ओट्स ऐड करना है उसमें, अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ी सी आप 5 या 6 किशमिश आप उसमें ऐड करें, आपको उसमें एक गुड अमाउंट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स, आपको प्रोटीन और कैलोरीज में आपको मिल जाएगी। अभी यहाँ पे हमें प्रोटीन के लिए इतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमारा फिलहाल अभी टारगेट है वेट गेन करना, कि आपको अपनी स्किनी बॉडी को छोड़ना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे अब हमारी बात आती है मील नंबर 2 की, जो कि हमारा होगा लंच। अब बीच में भी मैं आपको बता देता हूँ, बीच में आप अगर आपके बीच में भूख लगे तो वहाँ पे आप बनाना ऐड कर सकते हैं, 1 बनाना या 2 बनाना बीच में खा सकते हैं। अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही हो, कम लग रही हो तो कोई बात नहीं, वैसे ओट्स खाने के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं भूख लगने के, तो आप बीच में बनाना खा सकते हैं। फिर जहाँ हमारी आफ्टरनून का मील आती है, जो कि मतलब लंच होता है जिसको हम कहते हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें घर का खाना खाना है, सिंपल, कोई फैंसी नहीं है। इससे हमें सबसे ज़्यादा टारगेट किस चीज़ पे करना है, हमें टारगेट करना है दाल पे। एटलीस्ट आपको 2 कटोरी दाल खानी है, 2 कटोरी आपने दाल खानी है, उसमें आपको लगभग अच्छा खासा कह लीजिए 20-22 ग्राम मतलब इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन होगा, लेकिन आपको प्रोटीन ही मिल जाएगा। और आप राइस खाएंगे साथ में, तो उससे आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स भी बढ़ जाएंगे, तो ये दोनों चीज़ें मिला करके आपका एक वेट गेन करने में हेल्प करेगी। अब ये तो बात ये होगी, आप सोचेंगे भाई ये तो दाल राइस तो सिंपल हो गया। इसके साथ अगर आपको एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है आपकी डेट्स, किशमिश, सॉरी वो खजूर जिसको कहते हैं, खजूर आपने इसमें ऐड करने हैं। कब? इसके बाद, ये आपने जब खा लेना है इसके बाद आपको खजूर ऐड करना है। कितने? 3 या 4 आपने खजूर ऐड करने हैं इसमें। अगर आपका बजट, अगर आपको लगता हो कि आपका बजट क्रॉस कर रहा है, तो इसके बाद भी आप बनाना खा सकते हैं, 1 या 2 बनाना आप इस वाले मील के बाद भी कंज्यूम कर सकते हैं, वो भी हेल्दी रहेगा, वेट गेन में आपकी हेल्प करेगा। आप चाहें तो इसके साथ कर्ड भी ऐड कर सकते हैं, अगर दही खाना चाहें, छाछ खाना चाहें वो खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप जब आप इतना सारा खाना खाओगे, तो इनमें सब में क्या होता है, आपका फाइबर वगैरह होता है, तो ये सब आपके स्टमक को, गर्मियों में आप जब इतना सारा खाना खाते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है स्टमक अपसेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें खाएंगे तो इससे आपका स्टमक अपसेट होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमारी थर्ड मील आती है, जो कि होती है हमारी आफ्टरनून मील, आपके ब्रेकफास्ट मील के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट मील। आप लंच भी स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जो आफ्टरनून मील है वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसमें आपको क्या खाना है वो मैं अब बताता हूँ। आप देखिए बजट तो हमारा जैसे कि ज़्यादा है नहीं, अब इवनिंग में आप क्या करेंगे, इवनिंग में आप लेंगे बनाना शेक या मिल्क शेक, और उसके साथ, ठीक है, अब आप सुन रहे होंगे कि मैंने मिल्क और बनाना का बहुत यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बनाना का प्राइस भी ऑलमोस्ट ठीक है, अभी जैसे सीज़न आएगा, अब इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि बनाना हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, बनाना हर कोई अफोर्ड कर सकता है और आए दिन आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मिल्क शेक या बनाना शेक आपने कंज्यूम करना है 1 बड़ा ग्लास। ठीक है, इसके साथ आपने ऐड करना है पीनट बटर।
जो कि एक गुड फैट है और ये इसमें भी अच्छी खासी कैलरीज होती हैं, गुड कैलरीज होती हैं, जो कि आपका वेट गेन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ये इतना कॉस्टली नहीं है, एक बॉक्स आप खरीदेंगे तो आपका आराम से आपका 13-14 दिन ईजिली चल जाएगा। तो अब इतना तो फ्रेंड्स थोड़ा बहुत तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा, अब इससे ज़्यादा तो खैर क्या ही खर्च करेंगे। ये भी बहुत मिनिमल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आप जो आप अपने ऊपर स्पेंड करेंगे अपना वेट गेन करने के लिए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमारी आती है डे की लास्ट मील जिसको हम डिनर कहते हैं। डिनर से पहले भी अगर आपको बीच में कुछ भूख वगैरह लगे तो उस समय आप थोड़ा पानी पीजिएगा। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है, जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं करिए मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि मैं कोई टारगेट बताऊंगा 8 लीटर 10 लीटर, सबकी अपनी बॉडी होती है, सबको अपने हिसाब से प्यास लगती है, सबकी अपनी डिमांड होती है, उस हिसाब से पानी पिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी लास्ट मील आती है जो कि है हमारा डिनर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग जानना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको इसकी टाइमिंग बता देता हूँ। राइट टाइम क्या होता है, आपको जो अपना वेट गेन कर रहे होते हैं या वेट लॉस कर रहे होते हैं उन दोनों के लिए एक बहुत ही सटीक टाइम होता है। वो कौन सा टाइम है मैं आपको बताता हूँ, जिसमें आप चाहे कितना, अगर वो हार्ड गेनर भी होता है ना तो उसका भी क्या होता है कि कई बार आपके एब्डोमिनल में या आपके कह लीजिए कि फैट में कन्वर्ट होने लगता है वो फूड जो रात को खाते हैं, क्योंकि उनकी टाइमिंग गड़बड़ होती है। अब वो टाइमिंग क्या होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। टाइमिंग आपकी लगभग होनी चाहिए कि जब आपके सनसेट हो रहा होता है उस टाइम तक आपको खाना कंज्यूम कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपको फिट रहना है, अगर आप वेट गेन कर लें, हेल्दी वेट गेन करें, मैं गंदा वेट नहीं कर रहा, हेल्दी वेट गेन करें, तो उसका एक टाइम होता है कि आप जब भी सनसेट हो रहा होता है या उस टाइम तक या सनसेट होने के भी आधा घंटे के अंदर अंदर आप खाने को कंज्यूम कर लें तो आपका क्या होता है, बॉडी में जो BMR होता है वो हाई होता है। उस टाइम आपका फूड ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, आपका स्टमक से हट करके वो नीचे इंटेस्टाइन वगैरह में पहुंच जाता है, ईजिली आराम से वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ पर आपके जो फैट है वो एब्डोमिनल एरिया में स्टोर नहीं हुआ। कई लोगों का पेट बढ़ने लगता है जो वेट गेन कर रहे होते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। तो यही मेन रीज़न होता है आपका राइट टाइम खाना खाने का। तो अब क्या खाना है वो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं ऑफ ट्रैक हो गया थोड़ा सा। तो देखिए फ्रेंड्स अब आपको इस समय क्या खाना है, आपको इस समय अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको 5 एग बॉयल करने हैं, बॉयल एग आपको कंज्यूम करना है यहाँ पे। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पे आपको कंज्यूम करना है पनीर, कितनी, तो यहाँ पे आपको कंज्यूम करना है करीब करीब 110 ग्राम पनीर ऐड करना है, जिसमें आपको हेल्दी फैट मिलेगा और साथ साथ आपको एक गुड क्वांटिटी में प्रोटीन भी मिल जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन आपको मिल रहा है, इससे आपको इसमें कैसीन प्रोटीन मिलेगा पनीर में, जिससे आपकी जो नाइट में रिकवरी होगी, मसल आप डैमेज करेंगे वर्कआउट के थ्रू तो उस टाइम आपकी मसल रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें स्लो रिलीजिंग प्रोटीन आपको मिलता है पनीर में। तो आप पनीर तो केवल खाएंगे नहीं, इसके साथ आपने क्या कट करना है, पनीर के साथ आप एप्पल कट कर लीजिए या फिर बनाना कट कर लीजिए, आप दोनों कट कर सकते हैं। और उसके साथ या फिर खा सकते हैं स्वीट पोटैटो या बॉयल पोटैटो खा सकते हैं पनीर के साथ। आप कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन फ्रेंड यकीन मानिए ये सारी चीज़ आप फॉलो करेंगे आपको एक मंथ में वेट गेन अपना होते हुए दिखेगा। एक मंथ में नहीं, आपको 1 वीक बाद ही आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि यहाँ पे तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं, जो भी डाइट थी, जो आपको फूड कंज्यूम करना है, लेकिन आपको ये चीज़ें और ध्यान रखना है कि जब आप ये सारे के सारे मील कंज्यूम कर रहे हैं तो डिपेंड कर ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको अपने हिसाब से कंज्यूम करना है। मैंने जितनी क्वांटिटी बताई है, ज़रूरी नहीं है, मैंने वैसे कोई क्वांटिटी की मेजरमेंट नहीं बताई है, आप जितना खाना खा सकते हैं खाइए एक टाइम में। आपको क्या करना है ये चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको अपना पेट भर के खाना खाना है, आपको पेट में ज़रा भी स्पेस नहीं होना चाहिए उस टाइम तक। हालांकि है ठीक है, माना कि आयुर्वेदा कहता है कि भाई पेट भर के खाना नहीं चाहिए, फिटनेस को फॉलो करते हैं तो ये होता है, लेकिन आपको जब वेट गेन करना है तो उस समय कोशिश करना है आपने कि आपका स्टमक फुल रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना कंज्यूम करें ताकि आपके बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा लगे वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब आप वेट गेन करें, और ये चीज़ दोनों पे लागू होगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आपको उस टाइम लगेगा कि आपका पेट फुल है या मोटा हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक आपको उस टाइम इल्यूजन क्रिएट होता है जब आपका खाना स्टमक में पहुंचता ही है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखने के लिए। वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा डिटेल दे दी। मैं अपनी तरफ से सारी चीज़ें बताना चाहता था कि सारी की सारी चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू।